दोस्तों अभी के समय में जितने भी ताकतवर देश है वो नॉर्मल मिसाइल छोड़ के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं, और इसी कड़ी में भारत भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल में बहुत तेजी से निर्माण कर रहा है। और अभी के प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो दुनिया का केवल एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल अभी के समय में मौजूद है, उस देश का नाम है रशिया, जिसके पास वर्तमान समय में जिरकॉन नाम का एक हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल में क्या खास बात है जो दुनिया के जितने भी ताकतवर देश है बनाने में हाइपरसोनिक बड़ी जोर शोर से लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल का सबसे खास बात यह है कि उसकी स्पीड लगभग 5 मैक के बराबर होती है, यानी कि आवाज से 5 गुना ज्यादा। और अभी के समय में 5 मैक से जो अधिक रफ्तार की मिसाइल चलती है उस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया का केवल एकमात्र रशिया एक ऐसा देश है जिसके पास प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। लेकिन अब भारत और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस 2K को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया। दरअसल बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल में 2 स्टेज में काम होगा, जो कि पहली स्टेज होगी बूस्टर स्टेज होगी और दूसरी लिक्विड फ्यूल रैमजेट स्टेज होगी। और इसी दूसरी स्टेज को लेकर भारत और रशिया के बीच बात चल रही है, और इस इंजन की डील को लेकर रशिया जल्दी अप्रूवल दे देगा। और इसी लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल रशिया अपने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल में भी करता है। इसी इंजन की वजह से रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर और रफ्तार 9 मैक तक हो जाती है, यानी कि आवाज से 9 गुना ज्यादा। और रशिया के इसी इंजन को हम अपनी ब्रह्मोस 2 के मिसाइल में फिट करने वाले, जिससे हमारी ब्रह्मोस 2 के मिसाइल की रफ्तार 6 मैक होगी, और जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज होगी वो रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से ज्यादा होगी। ब्रह्मोस 2 के मिसाइल की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर तक होगी। और भारत इसी कोशिश में लगा हुआ है कि मेक इन इंडिया के तहत ब्रह्मोस 2 के मिसाइल को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट लगाए जाए इससे। और मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस 2 के मिसाइल में जितने भी मेक इन इंडिया कंपोनेंट लगेंगे इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस मिसाइल की कॉस्ट बहुत ही कम पड़ जाएगी। रशिया और भारत के बीच ये डील हुई है कि जो ब्रह्मोस 2 के की पहली बूस्टर स्टेज होगी उसको मेक इन इंडिया के तहत भारत ही निर्माण करके लगाएगा। और इस मिसाइल में भारत की तरफ से यह भी फैसला लिया गया कि ब्रह्मोस 2 के मिसाइल में रशिया के बना हुआ रैमजेट इंजन होगा, बाकी इसके बाद मिसाइल में जितने भी कंपोनेंट लगेंगे वो भारत खुद ही निर्माण करके लगाएगा। और ब्रह्मोस एरोस्पेस चीफ का कहना है कि भारत लगभग 2032 तक ब्रह्मोस 2 के मिसाइल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। आपको लग रहा होगा कि भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल आने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत खुद की लगभग 2-2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसका 70% काम हो चुका है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल पर इतनी तेजी से काम कर रहा है कि अमेरिका और चाइना से पहले ही बना लेगा अपना हाइपरसोनिक मिसाइल, और आप ये खबर जाके गूगल पर भी आराम से देख सकते हो। खैर, आज का सवाल यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल भारत का बन जाने के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची किस देश को लगने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।